कचो साहब, सबसे पहले मैं आप एज ए रजिस्टर लद्दाख यूनिवर्सिटी होने पे आपको मुबारकबाद देता हूँ। और लद्दाख यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुआ इस साल। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि लद्दाख यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा ब्रीफ इंट्रो दीजिए सर। मुबारकबाद के लिए शुक्रिया हुसैन साहब, आपके पास आपके साथ दूसरा इंटरेक्शन हो रहा है। पिछले वाला काफ़ी फ्रूटफुल रहा, ये भी रहेगा। लद्दाख यूनिवर्सिटी आप सबको पता है इस साल के शुरू में उसका इनाग्रेशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लेह में किया था। उससे पहले दिसंबर पिछले साल 16 तारीख को एक्ट भी पास हो गया था, जिसके तहत हम हमारा कानून बन गया और हम इन बीइंग आ गए, एग्जिस्ट हम उसी एक्ट के तहत हो रहे हैं। जून के महीने में वाइस चांसलर सी पुंसो साहब, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन दिस्क्यों नामग्याल साहब और मैंने चार्ज रिज्यूम किए थे। हमने यहाँ अपने ऑपरेशन शुरू किए, कारगिल में भी टेम्प्रेरी ऑफिस खोलने का इरादा भी रखा हुआ था जी। और तो अभी साल जो है एडमिशन भी आपने स्टार्ट किया है, तो बिल्कुल इसके बारे में थोड़ा बताइए सर। एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो गया है। 26 तारीख को ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर लद्दाख यूनियन टेरिटरी आर के माथुर साहब को एक फंक्शन में हमने रिक्वेस्ट किया था, इनविटेशन दी थी। उन्होंने अपने कीमती वक्त में से कुछ कुछ पल निकाल के हमारे साथ मिलके उस फंक्शन में लद्दाख यूनिवर्सिटी के वेबसाइट को ऑफिशियली लॉन्च किया और उसी दिन एडमिशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया था। हमारे प्रॉस्पेक्टस भी उसी दिन अनवेल हुए, उसी दिन से एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। मैं आपके मीडियम से लद्दाख के हर उस कैंडिडेट को जो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज और इंटीग्रेटेड कोर्सेज करने के एस्पिरेशन रखते हैं, उनको अपील करूँगा कि हमारे वेबसाइट को एक्सेस करें और फॉर्म्स वगैरह डाउनलोड करें। और दोनों लीड कॉलेजेस जो हैं ले और कारगिल में, डिग्री कॉलेज कारगिल और EJM कॉलेज ले, वहाँ जाके फिज़िकली भी फॉर्म्स लेके फॉर्म्स भर के सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए हमने डेट 16 जनवरी का रखा है डेडलाइन जी। इसमें कौन कौन से कोर्स को स्टार्ट किया है सर, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा बताइए। जी, हमने कुल मिला के हमारे पास जो इंट्रोडक्शन वाले कोर्सेज हैं वो 13 हैं, जिनमें दो इंटीग्रेटेड हैं। ले डिग्री कॉलेज में सोशियोलॉजी इंटीग्रेटेड कोर्स चलेगा, डिग्री कॉलेज कारगिल में इकोनॉमिक्स एज इंटीग्रेटेड कोर्स चलेगा। उसके अलावा बाकी जो हैं वो सारे मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ले के यूनिवर्सिटी के कैंपस में जो तरुधाम है, वहाँ मैथमेटिक्स होगा, कॉमर्स होगा, जोलॉजी, जियोलॉजी, ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट और इंग्लिश, ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं। उसके अलावा कारगिल में अलग अलग कोर्सेज हैं। कारगिल में इंग्लिश होगा, अरबिक, बॉटनी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और केमिस्ट्री, ये सारे कारगिल वाले पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं। आपको एक चीज़ कॉमन दिखेगा, दोनों कैंपसेस में हमने इंग्लिश अलग अलग रखे हुए हैं। इसके लिए इसमें हमें ये भी उम्मीद है कि कैंडिडेट्स बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और लगता है हमें इनटेक कैपेसिटी से भी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि हमें पता भी है, थोड़ा रुझान भी है कि इंग्लिश के लिए कैंडिडेट्स ज़्यादा आने के चांसेस हैं। इसीलिए दोनों कैंपसेस में इंग्लिश रखे हुए हैं और टीचिंग फैकल्टी वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम फिर मैं दोबारा अपील करूँगा आपके माध्यम से कि कैंडिडेट्स आए, भरपूर हिस्सा लें इस एडमिशन प्रोसेस में। ये यूनिवर्सिटी हमने लद्दाखियों के लिए ही बनाया हुआ है, बेशक बाहर से भी अगर कैंडिडेट्स आए हैं उनको भी वेलकम करेंगे, लेकिन सब के कोऑपरेशन और पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है जी। जहाँ तक स्टाफ की बात करें, तो टीचिंग स्टाफ अपने कोर्स स्टार्ट किया गया जी जी, उनको पढ़ाने के लिए क्या लोकल को प्रेफरेंस दिया जाएगा या बाहर से भी आएंगे एज ए प्रोफेसर असिस्टेंट? हर तरफ से आएंगे, कहीं कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। बेशक प्रेफरेंस कहें या कंफर्ट लेवल कहें, तो उसके लिए तो पहला तो लद्दाखी का ही देखा जाएगा बिल्कुल, क्योंकि हमें पता है और सबको पता है कि लद्दाखियों को मतलब अपने भी घर हैं, यहीं के रहने वाले हैं, तो मौसम सर्दी गर्मी से कोई परेशानी नहीं होगी। बेशक अगर कोई बाहर वाले भी हों तो हमारी यही कोशिश रहेगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्टेबल हों, वो एट होम महसूस करें जी। डिग्री कॉलेज में पहले से जो बच्चे पढ़ रहे हैं जी, उनका एक कहना है कि
हमें अभी कोई फिफ्थ सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर फर्स्ट में, पहले कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ बिल्कुल था, तो अभी क्या वो लद्दाख यूनिवर्सिटी में लाएंगे या कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरह जब पहले से होता था जी जी वो चलेगा? बिल्कुल क्योंकि उनका कहना है कि जब कश्मीर यूनिवर्सिटी उनका टाइम होता है बिल्कुल 3 साल का कोर्स के लिए, 4 साल लगते बिल्कुल हैं, बिल्कुल एग्ज़ाम पोस्टपोन होते हैं, तो आप इसके बारे में बिल्कुल क्या कहते हैं? देखें, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज जो कश्मीर वैली के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, उसकी वजह से एग्ज़ाम्स के शेड्यूल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती थी। हम पहले भी देख चुके हैं, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम कर चुका हूँ कारगिल में, तब भी हमें ये कुछ बड़ा बेटर एक्सपीरियंसेस हुए हैं स्टूडेंट्स के एहतजाज की वजह से। बेशक अभी जो करंटली जो एडमिशन चल रहे हैं, जो स्टूडेंट्स पुराने हैं एग्जिस्टिंग हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर कश्मीर यूनिवर्सिटी का रहेगा और धीरे धीरे फेज़ आउट होते जाएंगे। हम फैसिलिटेट करेंगे उनके एग्ज़ाम्स सही टाइम पे हो, रिजल्ट्स सही वक्त पे आएँ और उनको कोई परेशानी ना हो। और जो नए एडमिशन्स होंगे वो सारे उन सबको लद्दाख यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन नंबर्स मिलेंगे, वो लद्दाख यूनिवर्सिटी के हिस्से बन के आगे बढ़ेंगे। और जो बैकलॉग्स वगैरह हैं, रिजल्ट्स को टाइम लगते हैं निकलने में, डिक्लेयर होने में, उसमें हम कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ हमेशा कांटेक्ट में रहते हैं और रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि जल्द से जल्द ये बैकलॉग एग्ज़ाम्स हों ताकि कहाँ कोई परेशानी नहीं हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ फोर्थ सेमेस्टर के जो कुछ एग्ज़ाम्स रह गए थे वो जनवरी 15 से शायद हो जाएँ, बिल्कुल उसके लिए वादाबंद हैं और कोशिश ये भी रहेगी कि जल्दी से जल्दी रिजल्ट्स भी टाइम पे आ जाएँ। हमारी तरफ से स्टूडेंट्स, जितने भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं और नए जो एडमिशन्स लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको कोई किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। और हमारे हमें कमिटमेंट वाइस चांसलर कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से भी मिली हुई है। हमारे वाइस चांसलर सिपोनसो साहब के साथ भी उनके हमेशा फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे डिस्कशंस होते रहते हैं, फ़ोन पे बातें होती रहती हैं कि हमारे कुछ इश्यूज जो भी हैं एक एक करके कैसे हल होते जाएं। और जो कश्मीर यूनिवर्सिटी से लद्दाख यूनिवर्सिटी की तरफ जो ट्रांजिशन है वो फेज़ आउट मैनर पे और स्मूथ हो, और इसके लिए हमारे एसोसिएशन कश्मीर यूनिवर्सिटी से सबसे नज़दीक यूनिवर्सिटी है हमारे, और उनके साथ एसोसिएशन तो हमेशा आगे भी पॉजिटिव ही रहेगी। तो हमें उम्मीद है और ये भी है, उम्मीद है और एक्सपेक्टेशन तो कंप्लीट है कि ये वाला जो एसोसिएशन है फ्रूटफुल रहे, क्योंकि एक्सचेंज प्रोग्राम्स भी हम दोनों यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे होने के उम्मीद भी हैं। जी आखिर में मैं यही जानना चाहता हूँ कि लद्दाख यूनिवर्सिटी का फ्यूचर प्लान क्या रहेगा, कोर्स को बढ़ाने के लिए और भी बिल्कुल फैसिलिटीज़ करने के लिए आपका फ्यूचर प्लान क्या रहेगा सर? देखें, इसमें मैं हमेशा बोलता रहता हूँ और अभी भी बोलूँगा कि द स्काई इज़ द लिमिट। हायर एजुकेशन का जो सेक्टर है उसको हमने बहुत अच्छे खासे पैमाने पे ठीक करके और एक दर्जे पे पहुँचाना है, जहाँ पे जहाँ पे इसको एक एडवांस स्टडीज़ या रिसर्च का एक सेंटर माना जाए पूरे दुनिया में, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान में। कोशिश तो पूरी है, हम अभी तक जितने भी कदम उठा चुके हैं इस तरफ बहुत फ्रूटफुल रहे हैं। अभी कोई पाँच छः महीने ही हुए हैं ऑफिसेस चले हुए, लेकिन अभी तक तो पॉजिटिव रिस्पांस आ रहे हैं हर तरफ से, और आगे भी उम्मीद है कि हर सेक्टर से, हर जगह से, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भी कॉपरेशन, पॉजिटिव कॉपरेशन रहे और हम इसको एक ऊंचाई तक पहुंचा के रखें, एडवांस लर्निंग रिसर्च वगैरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें और लोग दुनिया के किसी भी कोने से आके यहाँ बैठ के रिसर्च करें, उनके लिए फैसिलिटीज़, हम रहने की फैसिलिटीज़ और रिसर्च करने की फैसिलिटीज़ ठीक सर काफ़ी ढंग से मुहैया करें ताकि उनको घर जैसा माहौल मिले और रिसर्च भी क्वालिटी का निकले, क्योंकि रिसर्च करने के बाद भी उसका भी कोई फ़ायदा होना चाहिए। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इस यूनिवर्सिटी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए वादाबंद हैं। जी हाल ही में आपने एक और नोटिफिकेशन निकला जिसमें लोगों की बात की थी, जी लोगों इंटरेस्ट की बात, अब हमारे माध्यम से भी इसका थोड़ा जिक्र कीजिए सर। जी जी ज़रूर, शुक्रिया हुसैन साहब, आपने याद दिलाया। हमारे लद्दाख में आर्टिस्ट्स की कोई कमी नहीं है। ये हमने पहले सितंबर में ही एक नोटिस इशू किया था, लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि डिज़ाइनर से और ख़ासकर यंगस्टर्स के से कि अपने डिज़ाइंस यूनिवर्सिटी के लिए लोगों के बना के भेजें हमें। हमें जितने भी एंट्रीज मिले थे 40 के करीब एंट्रीज आए थे, ना कि लेह और कारगिल से सिर्फ, लेकिन पूरे हिंदुस्तान से। और अब फिर हमें लगा हमें थोड़ा और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हमने कुछ डिज़ाइन शॉर्टलिस्ट भी किए थे, उन पे गौर भी किया था, लेकिन फिर लगा हमें थोड़े, फिर हमारे सिंडिकेट मीटिंग में भी फैसला हुआ कि
और भी थोड़ा टाइम दिया जाए लोगों को, ताकि शायद कुछ डिज़ाइनर्स के, कुछ आर्टिस्ट के नज़र में यह नोटिस हमारी नहीं आई हो, शायद उनको भी मौका दिया जाए, इसलिए 1 महीने का टाइम एक्सटेंड करके दिया हुआ है। और लोगों से, मैं आर्टिस्ट से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने डिज़ाइन हमें मेल करें फिज़िकली, हमारे हार्ड कॉपीज़ भी अगर देना चाहें हमारे ले के ऑफिस और कारगिल के ऑफिस में 28 जनवरी से पहले दे दें। शुक्रिया। जी।